फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा भी अपने जवानों को चुनाव से संबंधित पूरी जानकारी दिए जाने के बाद चुनाव सम्पन्न कराने के लिए संगम नगरी प्रयागराज से रवाना करने के से पहले एसएसपी जीआरपी अष्टभुजा सिंह ने प्रयागराज रेलवे प्रांगण में जीआरपी के जवानों को ब्रीफिंग करते हुए सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही ऐसे में क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर एसएसपी जीआरपी अष्टभुजा सिंह का, ये दिखाते हैं। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को सकुशल एवं निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए जीआरपी प्रयागराज अनुभाग से हमारे जवानों एवं अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। आज उन्हीं की यहां पर ब्रीफिंग की जा रही थी, मेरे द्वारा सभी को संबोधित किया गया और कल सुबह 8 बजे से पूर्व सभी को विशेष गाड़ियों में यहां से रवाना किया जाए। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री क्लस्टर प्रभारी लोकसभा चुनाव अनिल राजभर आज प्रयागराज पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भाजपा के घोषणा पत्र की तारीफ की है और साथ ही उन्होंने मोदी लहर को बताते हुए कहा कि घोषणा पत्र को भी आम जनता का समर्थन मिल रहा है और जिस तरह से मोदी लहर है ऐसे में कोई सामने टिकेगा नहीं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं पार्टी का अभिनंदन करना चाहता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करना चाहता हूं। कल भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोक संकल्प पत्र जारी किया है। विकसित भारत बनाने का जो रोड मैप है, मैं समझता हूँ कि ये संकल्प पत्र उसका दर्पण है। लोक संकल्प पत्र के एक एक विषय जिसको हम लोगों ने 24 भागों में पार्टी ने बांटा है, उसका ठीक से अध्ययन करें तो विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है मोदी जी का, वो कैसे पूरा होगा उसका पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि पूरा दस्तावेज है भारतीय जनता पार्टी का लोक संकल्प पत्र। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की झलक, किसानों को समृद्ध बनाने की, माताओं बहनों को सशक्त बनाने की पूरी झलक लोक संकल्प पत्र में देखने को मिल रही है। तो पार्टी ने जो वादा किया है, और सबसे बड़ी बात है कि पहले जो लोक संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के बीच में हमने वादा किया था, जिन बातों को लेकर हम गए थे, हमारी सरकारों ने काम किया है। 99% से ज़्यादा लोक संकल्प पत्र पर सरकारों ने काम किया है और जनता के सुझाव के आधार पर लोक संकल्प पत्र तैयार किया गया है। इसलिए जनता का भी भारी समर्थन हमारे बातों पर, हमारे विषय पर और लोक संकल्प पत्र को भी जनता का समर्थन मिलने वाला है। और प्रयागराज के क्लस्टर मंत्री हैं, प्रयागराज में दो लोकसभा क्षेत्र, यहाँ के लिए कुछ अलग से खास नहीं? प्रयागराज क्लस्टर में चार लोकसभा क्षेत्र, और मैं तकरीबन एक महीने से ज़्यादा हो गया मुझे यहाँ। जिस तरह का समर्थन विशेष तौर पर माताओं बहनों के बीच में, नौजवानों के बीच में मोदी जी का नाम और काम जिस तरह से बोल रहा है, मुझे लगता है कहीं किसी प्रकार की हम लोगों को परेशानी नहीं है। अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ कर हम जीतेंगे, हमारे सभी उम्मीदवार जीतेंगे। प्रयागराज के मलागराज के रहने वाले राजेंद्र पांडे ने आज जहां बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उनका कहना है उन पर गलत तरीके से एफआईआर की गई है, और जबकि वो नियमित तौर से बिल हमेशा जमा करते आ रहे हैं। 400 किलोवाट का उनका जहां की कनेक्शन भी है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि अधिकारी और जनता दरबार में भी उसकी शिकायत की गई मगर सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में उन्होंने आरोप लगाते हुए मदद की गुहार लगाई, क्या कुछ का आइए दिखाते हैं। 4 किलोवाट का कनेक्शन चल रहा है, मैं अप टू डेट 2014 से बिल भी भर रहा हूँ। रंजीत कुमार मौर्या और लोग दुबे, ये लोग आए शाम को 7:30 के बाद के करीब, ये लोग पैसा मांगे कि संविदा कर्मचारी हैं और वो सीपी भारतीय जेई को देना है। तो हम कहा भैया काहे बरे हम खर्चा वर्चा देंगे, तो हमने नहीं दिया, इनको ना कर दिया। ये लोगों ने हमारे मीटर का, हमारे केबिल का वीडियो बना करके हमारे खिलाफ झूठी FIR कर दिए। उससे मैं त्रस्त होकर के लखनऊ, बनारस, शक्ति भवन, यमदेव राज, किस किस अधिकारी को मिले, लेकिन क्यों ये अधिकारी सुनने, मैं जनता दरबार में भी गया, मिला
कि किसी तरीके से मेरा खत्म हो जाए। मैं अप टू डेट 5200, 5300, 4800 हर महीना बिल भर रहा हूँ। मेरी केबिल नहीं काटी गई कभी, ना मेरा कनेक्शन काटा गया, इसलिए कि कोई कटिया ही नहीं थी हमारे परिसर में, तो काटेंगे क्या वो? बस झूठा FIR पैसे के लिए हमको फंसा दिया गया है। और हम एक CM से प्रयागराज प्रमोद सिंह जय से मिले, उन्होंने कहा कि चले जाओ आप सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट चले जाओ, ये रामबाग मलाकराज पावर हाउस का मामला है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जनता दरबार में भी आए, हमारा खत्म हो जाए, नहीं तो हम लखनऊ में जाकर के धरना देंगे परिवार सहित बैठ करके, अनशन पर बैठ जाएंगे भूखर प्यासन की हमारा खत्म हो। मैं निर्दोष हूँ, बेकसूर हूँ, मैं सबसे चिल्ला चुका हूँ, सारे मंत्रियों से, योगी जी के दरबार में सारे अधिकारियों से, सारे ये हमारे पास रजिस्ट्री का कागज है। राजेंद्र कुमार पांडे नाम है हमारा। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय केसरीनाथ त्रिपाठी के पुत्र नीरज त्रिपाठी पर जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना भरोसा जताया है और शीर्ष नेतृत्व ने जहां उन्हें इलाहाबाद लोकसभा सीट से जहां प्रत्याशित घोषित किया है, जिसके बाद 2014 से चल रहे विकास को आगे बढ़ते हुए प्रयागराज के इंडस्ट्रियल रूप को डेवलप करना प्राथमिकता होगी, ऐसा नीरज अग्रवाल का कहना था। और इस मौके पर जहाँ यमुना नगर के इकाई के लोग पहुँचे थे और यमुना पार के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने नीरज त्रिपाठी को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया है और साथ ही उनके लिए नारे लगाते दिखाई दिए। और साथ ही ऐसे में क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर नीरज त्रिपाठी का, आइए दिखाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है, क्या कहना है? सबसे पहले मैं केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, माननीय JP नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय श्री अमित शाह जी, साथ ही साथ हमारे प्रदेश नेतृत्व में भी माननीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी, माननीय श्री योगी जी, माननीय श्री केशव मौर्य जी, इन सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करूँगा, इन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया है। और मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूंगा कि उनके विश्वास को किसी तरह से भी ठेस ना पहुंच सके। जनता बहुत खुश है, क्या कहना चाहेंगे? जनता, मेरे पूज्य बाबूजी ने अपनी एक जो छवि बनाई थी, उस छवि की वजह से ये जो आज इतना प्यार मोहब्बत मिल रहा है, ये सब उन्हीं की देन है। और मैं कोशिश करूंगा कि उन्होंने जो छवि बनाई हुई है उसको मैं जो है आगे बढ़ाता रहूं। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियों ने मजबूती से चुनाव लड़ते हुए अपना पूरा दम लगा दिया है, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने महिलाओं को आरक्षण और अग्निवीर खत्म करके युवाओं को रोजगार देने की बात और गेहूँ की जगह आटा देने की बात कही, और ऐसे में कई वादे भी किसानों को लेकर किए, जिस पर प्रयागराज की जनता से बात किया गया ये कितना लाभदायक होगा घोषणा पत्र, तो इस पर क्या कुछ कहना है जनता का, आइए दिखाते हैं। अखिलेश यादव बहुत एक काबिल नेता हैं हमारे यहाँ के, जब उनका कार्यकाल था तब ये सारी चीजें क्यों नहीं याद आई उनको? और जहां तक महिला सम्मान की बात है, उनके कार्यकाल में ही किस तरीके से महिलाओं के साथ भद्रता हुई, ये चीज उनको ध्यान रखना चाहिए। अब एक चीज है कि हाँ, GST को लेकर के थोड़ा सा व्यापारी वर्ग बहुत ज्यादा परेशान है, जिसमें मौजूदा सरकार को सोचने की जरूरत है। और बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी चल रही हैं जो कि अभी विचारणीय है, लेकिन जहां तक अखिलेश यादव की बात है, वो अभी अपने कार्यकाल का इंतजार करें और उसके आधार पर अभी उन्हें समय बहुत लगेगा। आलोक जायसवाल, बहुत ही अच्छा घोषणा पत्र है, और इस घोषणा पत्र की तो हम लोग, जैसे मैं तो एक जनरल पब्लिक हूँ, एक सामान्य व्यक्ति हूँ, लेकिन हमारी बहुत पुरानी ये मांग थी कि जाति जनगणना की जाए, जिससे पता चल जाए कि जहाँ कितने लोगों की कितनी जनसंख्या है, उसी हिसाब से सरकार अपनी नीति बनाए। दूसरा, जिन्होंने 33% आरक्षण की बात की है, वो भी बहुत ही अच्छा है, महिलाएं इसमें हर क्षेत्र में भागीदारी करेंगी और इससे जो है सामाजिक जो संरचना है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। प्लस जो इन्होंने ये कहा कि अग्निवीर योजना समाप्त होगी, और युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 4 साल बाद जब युवा घर पे आकर के बैठ जाता है और माँ बाप पैसे मांगता है कि बाबूजी हमको चाय पीने पैसे दीजिए, कितनी बुरी स्थिति हो जाती है। और आर्मी की नौकरी करने के बाद
उसकी बुद्धि जो है लोग कहते हैं कि घुटने में चली जाती है, हालांकि यह कहावत है, लेकिन फिर वो कैसे सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा, क्या करेगा, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा, 5,000 की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी हो रही है। और आप बताइए कि गेहूं सड़ा हुआ मिल रहा है, अगर आटा मिलेगा कम से कम पैकेट वाला होगा, और पैकेट वाला अगर आटा होगा तो अगर उसमें कोई कमी होगी तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं, इस गेहूं की आप शिकायत क्या करेंगे। तो अब मैं राकेश पांडे हूं, अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन का। देखिए हलचल है, सभी राजनीतिक पार्टियां जरूर अपना सिक्का जमाने के लिए और अपनी जगह बनाने के लिए प्रयास कर रही है, उसी के अनुक्रम में जहां तक मेरा अपना विचार है ये मैनिफेस्टो है। व्यापारी वर्ग जिस प्रकार से इस समय वर्तमान परिस्थिति में अपना कामकाज कर रहा है, चला रहा है, उसे वह संतुष्ट है। बाकी किसी के मैनिफेस्टो पे मुझे बहुत ज्यादा बोलने का मेरी रुचि नहीं है। व्यापारी होने के नाते से और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए व्यापारी वर्तमान सरकार के साथ में कुछ प्रसन्न है। लुभावना करने से कुछ नहीं होता, करने का बहुत मौका मिला था आपको, क्या किया, और दोबारा यदि करने का मौका मिलता है तो अपने मैनिफेस्टो के अनुसार कला करके दिखाइएगा, आपका स्वागत रहेगा। मैं निमेश अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रयागराज। देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि चलिए ठीक है, गरीब बिचारों को आटा पिसवाई नहीं लगेगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। मगर ये बताइए, इनकी सरकार 5 साल, इसके 25 साल इनके पिताजी भी रहे, आज तक इन्होंने के 30 साल टोटल मिला के क्या किया, गरीब को क्या क्या करना चाहते हैं, कहने हम अब ये लैपटॉप बांटेंगे, लैपटॉप बांटते बांटते पता नहीं क्या क्या बांट डाले, मगर आज तक किया क्या हमको ये बताएं आप। अरे बदलाव तो बहुत बड़ा कर सकते हैं, मगर कौन चूस सकते, बस एक अलावा कुछ नहीं कर सकते। अरे मैं पप्पू तिवारी से आ गए। जहां पूरे देश में संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की जयंती के मौके पर लोग जगह जगह यात्रा और शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, तो उसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज के हाईकोर्ट के पास से भी ये यात्रा का शुरुआत की गई। बता दें अंबेडकर चौराहे से ये यात्रा की शुरुआत की गई, जो कि पत्थर गिरजाघर से होते हुए सुभाष चौराहे, बिजली घर होते हुए प्रयागराज जंक्शन, कोतवाली शहीद ननका जी के पटशिला से होते हुए ऐतिहासिक नीम के पेड़ तक जाएगी। इस यात्रा में जहां सैकड़ों लोग शामिल हुए हैं और बाबा साहब अमर रहे के नारे उद्घोष लगाते हुए सड़कों पर झंडे लिए दिखाई दिए हैं, किस तरह से यात्रा निकाली गई है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या कुछ कहना है हेला समाज के लोगों का, किस तरह से ये यात्रा निकाली जा रही है, आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा है इस यात्रा को लेकर उन्होंने। यात्रा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म दिवस पर इसको आयोजित किया जाता है, या हाई कोर्ट बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा से प्रारंभ होकर के सिविल लाइन्स होते हुए चौक, कोतवाली, नकाश कोना और लीडर रोड पर हमारे समाज का एक पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय पर इसका समापन किया जाता है। मेरा नाम धर्मेंद्र रावत और ये महामंत्री आप बाकी। ये हम लोग जो उत्तर प्रदेशी हेला पंचायत महासभा के प्रधान है, आज 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के शुभ अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने शोभा यात्रा निकाली है, और इसमें विशेष उद्देश्य रहता है कि हमारा समाज एक होकर शिक्षा की ओर आगे बढ़े और संगठित हो और अपने अधिकार के लिए संघर्ष करे, बस हम लोगों का यही उद्देश्य रहता है कि हमको भी समानता का न्याय मिले, हम लोग इसी अधिकार के लिए अपने आप को जो है यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। हमारा नाम, मैं उत्तर प्रदेश हेला पंचायत महासभा का महामंत्री रंजीत दास। संगम नगरी प्रयागराज में एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रयागराज जंक्शन के बाहर कुछ लोग बियर की बोतल से नहाते दिखे और खुलेआम सड़क पर हुड़दंग करते दिखाई दिए हैं, कार के सनरूफ से निकलकर खुलेआम यहां बियर पीते दिखाई दिए और नहाते दिखाई दिए हैं और लोगों से गाली गलौज करते दिखाई दिए हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोगों से अभद्रता करने वाले ये युवक की गाड़ी पर भाजपा मंडल अध्यक्ष का बैनर लगा हुआ था, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं किस तरह से कार की छत पर ये खड़े होकर यहाँ पर तांडव कर रहे हैं, ना ही इनमें पुलिस का खौफ है और ना कोई डर, खुलेआम किस तरह से नियम कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, क्योंकि सत्ता में सरकार है और किस तरह से नियम कानून का उल्लंघन करना है शायद इनको बहुत अच्छे से पता है, इनमें नहीं दिख रहा पुलिस का डर। अब देखना होगा इन पर किस तरह की होती है कार्रवाई, वीडियो हो तेजी से हो रहा वायरल।
देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।